बच्चों नमस्ते। बच्चों, आप सबको ठंड के दिनों में धूप में बैठना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? बच्चों, धूप किसे कहते हैं? आपको पता है, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उसे हम धूप कहते हैं। बच्चों, सूर्य की किरणों से यानी धूप से हमें विटामिन डी मिलती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है। सूर्य की किरणों में ऐसे गुण होते हैं जिससे कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। बच्चों, आज हम धूप की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है धूप, पाठ 15 धूप। बच्चों, ये कविता है, इसे मैं लय के साथ पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे। बीती रात हुआ उजियारा, घर आंगन में उतरी धूप, कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी धूप, पर्वत की चोटी पर उछली झरनों के संग खेली धूप, सागर की लहरों पर नाची सबकी बनी सहेली धूप, पंछी के पंखों पर चमकी फूलों पर लहराई धूप, धरती के कोने कोने तक देने लगी दिखाई धूप। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कविता? अच्छी लगी ना? अब मैं आपको इस कविता का अर्थ बताती। बीती रात हुआ उजियारा, घर आंगन में उतरी धूप। बच्चों, इस कविता में कवि बता रहे हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है और रात में अंधेरा होता है। रात में आसमान में आप चांद को देखते हैं ना, और जब सुबह होती है तो चांद छुप जाता है, अंधेरा ख़त्म हो जाता है और सूरज आ जाता है। सब तरफ रोशनी हो जाती है और सब तरफ धूप भी हो जाती है। कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी धूप। बच्चों, धरती के कण कण, इसका मतलब है धरती के हर हिस्से में सूर्य की रोशनी पहुंच रही है। पेड़ों पर, फूलों पर, पत्तियों के ऊपर धूप पहुंच रही है और ऐसा लग रहा है जैसे धूप खिलखिलाकर हंस रही हो। पर्वत की चोटी पर उछली झरनों के संग खेली धूप। बच्चों, पर्वत की ऊंची चोटी पर भी धूप दिखाई पड़ रही है और झरनों में भी सूर्य की रोशनी यानी धूप पड़ रही है। सागर की लहरों पर नाची सबकी बनी सहेली धूप। बच्चों, सागर का अर्थ होता है समुद्र, जहाँ बहुत सारा पानी होता है। तो बच्चों, धूप सागर यानी समुद्र की लहरों के ऊपर भी पड़ रही है और हर एक की सहेली बन गई है। सहेली का अर्थ होता है सखी, जैसे आप अपनी सखी के साथ, सहेली के साथ हमेशा रहती हैं ना, तो वैसे ही धूप भी पत्तियों में, झरनों में सागर के साथ हमेशा दिखाई दे रही है। पंछी के पंखों पर चमकी फूलों पर लहराई धूप। बच्चों, चाहे पंछियों के ऊपर हो, पंछी मतलब पक्षी, चिड़िया, और चाहे फिर फूलों के ऊपर हो, धूप हर जगह दिखाई दे रही है। धरती के कोने कोने तक देने लगी दिखाई धूप। धरती के हर हिस्से में धूप दिखाई पड़ रही है, कोने कोने तक भी धूप पहुंच रही है। तो बच्चों, अच्छी लगी ना आपको ये कविता और उसका अर्थ भी आपने जान लिया। अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, रात बीतने पर क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? बिल्कुल सही, रात बीतने के बाद अंधेरा खत्म हुआ और सूरज निकला, फिर हर तरफ धूप हो गई। बच्चों, अगला प्रश्न है, पर्वत की चोटी पर क्या उछली है? बताओ। बिल्कुल सही, पर्वत की चोटी पर धूप उछली है, मतलब धूप पर्वत की ऊंची चोटी पर भी दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है बच्चों, पंछी के पंख किससे चमके? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है पंछी के पंख धूप लगने के कारण चमक उठे। अगला प्रश्न है, कौन सबकी सहेली बन गई है? बताओ बच्चों। बिल्कुल सही, धूप सबकी सहेली बन गई है। बच्चों, अगला प्रश्न है, पाठ में बार बार आए जोड़े वाले शब्द छांटकर लिखो, जैसे कण कण। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों?
कोने कोने, पत्ते पत्ते, ये शब्द आपके पाठ में बार बार आए हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ लिखो। जैसे रात का उल्टा दिन होगा, ऐसे ही आपको लिखना है दुख, हार, हंसना, धूप, नहीं, इन शब्दों के उल्टे अर्थ आपको लिखना है। तो दुख का उल्टा क्या होगा बच्चों? दुख का उल्टा होगा सुख, और हार का उल्टा जीत। हंसना का उल्टा होगा रोना, और धूप का उल्टा होगा छांव, और नई इसका उल्टा क्या होगा? पुरानी। बच्चों अगला प्रश्न है, चंद्र बिंदु वाले तथा बिना चंद्र बिंदु वाले शब्दों को छांट कर अलग अलग लिखो। शब्द हैं आंगन, हस्ती, पूंछ, फूल, ऊन, झूठ, ऊंच, धूप, आंसू और गाती। आपको इनमें से शब्दों को, ऐसे शब्दों को छांट कर अलग, बच्चों इसमें आपको चंद्र बिंदु वाले शब्द और बिना चंद्र बिंदु वाले शब्दों को अलग करना है। तो चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन कौन से होंगे? आंगन, हस्ती, पूंछ, ऊंच और आंसू। और बिना चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन कौन से होंगे बच्चों? फूल, ऊन, झूठ, धूप और गाती। बच्चों अगला प्रश्न है, का, की, के को मिलाकर शब्द बनाओ और लिखो। और शब्द हैं उस, सब और किस। तो इसका उत्तर क्या होगा? उसमें का मिलाएंगे तो क्या होगा? उसका। और की मिलाएंगे तो उसकी, और के मिलाएंगे तो उसके, और को मिलाएंगे तो उसको। इसी तरह से सब, सबका, सबकी, सबके, सबको, और किस, किसका, किसकी, किसके और किसको। बच्चों अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। पहला गृह कार्य है, धूप कहाँ कहाँ पड़ती है, पाठ में से पढ़कर उत्तर लिखो। अगला प्रश्न है, धूप के बारे में चार लाइनें लिखो। बच्चों अगला प्रश्न है, किसी बाग, झरना या पर्वत का चित्र बनाओ। और अगला प्रश्न है, सूरज, चिड़िया और फूल के चित्र बनाकर कॉपी में चिपकाओ। तो बच्चों आज यहीं तक, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।